फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक परमानेंट फेस का फेस पैक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो वैलेंटाइंस डे में हम सिर्फ अपने फेस को मेकअप के थ्रू ही क्यों खूबसूरत बनाए। अब क्यों नहीं ऐसा करें कि हमारा फेस हमेशा के लिए नेचुरली ब्यूटीफुल लगे, नेचुरली फ्लॉलेस लगे। तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें सिर्फ हमें दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स आप अपने फेस को बहुत ही परमानेंट नेचुरल फ्लॉलेस बना सकते हैं, और नेचुरल ही आप अपने फेस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। नो स्पॉट, नो डार्क स्पॉट, नो डार्क सर्कल, नो पिंपल, नो एक्ने। तो ऐसी कौन सी चीज मैं आपसे कहने वाली बताने वाली हूँ जिसमें आपके अपने फेस को एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा, वो भी परमानेंट। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेकअप करके अपने पोर्स को हाइड करें, अपने ब्लैकहेड्स को हाइड करें, अपने पिंपल्स को हाइड करें, ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको चैनल को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ सुंदर लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज की जरूरत है। सबसे पहले तो ये ऑलमंड, आप देख सकते हैं इस तरीके से है, इसको यूज करना है। और सेकेंड इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं क्या यूज करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये ऑलमंड लिया हुआ है। इस ऑलमंड को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया हुआ है। ग्राइंड करने से आपको इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा ये। और मैंने लिया हुआ है रॉ मिल्क। बस आपको इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है, नो हनी, नो आपको कोई ऐसा लेमन, कुछ भी यूज नहीं करना है। तो चलिए देखते इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये रॉ मिल्क है। रॉ मिल्क अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हनी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करे आपके फेस पे या जैसे आपकी चॉइस हो। तो इसको इस तरीके से इस फॉर्म में लाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है इस तरीके से। तो चलिए अब लगाते हैं और इसके रिजल्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कंसिस्टेंसी में मैंने बना लिया है रॉ मिल्क। और ऑलमंड को मैंने क्या किया हुआ है कि इसको ग्राइंड कर लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। तो अब इसको क्या करना है, आपको अपनी चाहे तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेस पे हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा स्क्रब भी है, क्योंकि ये रॉ मिल्क है। तो आप फ्रेंड्स समझ सकते होंगे कि रॉ मिल्क आपके फेस के लिए, आपके स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। और आप देख रहे हैं कि कितना इजीली फेस पे पूरे ब्लेंड हो जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसमें जो मैंने ऑलमंड क्यों लिया है आपको मैं बता दूं, क्योंकि ऑलमंड से हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे जो भी डार्क सर्कल होते हैं, जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। और आपने सुना होगा कि ऑलमंड ऑयल लगाने से आपके फेस पे जो अंडर आइज डार्क सर्कल होते हैं वो निकल जाते हैं। तो हम ऑलमंड ऑयल की जगह क्यों नहीं हम ऑलमंड ही यूज कर लें, कितना बेनिफिशियल रहेगा हमारी स्किन के लिए। तो इस तरीके से आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। और ये बहुत ही पाउडरी फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको ऐसे रब भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है फेस पे लगाने पे। और इसको आपको क्या करना है कि इसको 5 से 7 मिनट तक छोड़ देना है अपने फेस पे, और जब ये ड्राई हो जाए तो इसके बाद आप उसको फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो चलिए जब ये ड्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ड्राई हो चुका है ये, और मैंने बचा हुआ तो मैंने इसको अपने हैंड में भी अप्लाई कर लिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। और ये छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो आप इसको स्क्रब भी कर सकते हैं लगाते समय। तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ग्लो आता है फेस पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया हुआ है अच्छे से। और आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस, कितना अच्छा ग्लो कर रहा है मेरा फेस। सी, मेरी नोज पे कितना ग्लो आया है। मेरी आईज पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक मेरा छोटा सा वीडियो जिसे मैंने आपको बताया कि आप वैलेंटाइंस डे टाइम पे आप परमानेंट कैसे अपने फेस को और ग्लो बना सकते हैं, पिंकिश ग्लो बना सकते हैं। आपको ऐसा जरूरी नहीं आप बहुत सारे मेकअप करें तभी, मेकअप से तो नो डाउट आपका फेस
के जो रिंकल्स होते हैं, जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं वो हाइड होते हैं, बट अगर आप क्यों नहीं हम इसको हमेशा के लिए अपने फेस को ग्लोइंग और अच्छा बना फ्लॉलेस बना ले। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक तो बनता है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको चैनल को हिट कर देना। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको और किस तरीके के वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।